आपको मालूम है कोरोना से कोई भी नहीं मर रहा है, कोरोना के वजह से हमारी बॉडी की रिएक्शन जिसको इन्फ्लामेशन बोलते हैं उससे जान जाती है। ये बात आज आपको बताने के लिए ये वीडियो बनाया हूँ। मेरा नाम डॉक्टर बिमल छाजड़ है। इंडिया भर में हार्ट की बीमारी का एक ट्रीटमेंट हम लोग करते हैं जिसको बोलते हैं नॉन इन्वेजिव, बिना बाईपास बिना एंजियोप्लास्टी का हार्ट का ट्रीटमेंट करते हैं, उसके लिए एजुकेट करते हैं, खाना पीना बताते हैं। और मुझे लगा कोरोना इतनी बढ़ गई है तो कोरोना के बारे में सिंपल इन्फॉर्मेशन हर आदमी तक पहुंचना चाहिए, और इसलिए आज ये वीडियो बनाया हूँ आपके लिए। एक बहुत नया समाचार ये है कि कोरोना वायरस किसी को नहीं मार रहा है, कोरोना की वजह से इन्फ्लामेशन होता उसी से 90% 95% लोग मर रहे हैं। ये इन्फ्लामेशन क्या चीज है? जब आपको बताया था कोरोना वायरस हमारे अंदर घुसती है और ये अंदर में मल्टीप्लाई करती है, धीरे धीरे लंग्स तक पहुंच जाती है, छठे सातवें दिन तक लंग्स में पहुंच जाती है, पांचवें दिन पहुंच जाती है, उसके बाद वो लंग्स में 3-4-5 दिन ही बढ़ पाती है, उसके बाद वो अपने आप ही सेल्फ डेथ हो जाती है। आपको मालूम है जब भी कोई वायरल बीमारी होती थी आगे, जैसे इन्फ्लुएंजा है या कॉमन कोल्ड है, हम लोग बोलते थे दवाई लो ही मत क्योंकि वायरस अपने आप ही मारा जाएगा। और इसमें भी यही होता है कि 10-11 दिन के बाद वायरस की मल्टीप्लीकेशन कम होने लगती है, बॉडी जीत जाती है। बट बाय दैट टाइम न्यूमोनिया हैज हैपेंड, न्यूमोनिया हो चुका है, लंग्स में न्यूमोनिया पैचेस हो चुका है, और उसके उस न्यूमोनिया को हटाने के लिए, वायरस को मारने के लिए बॉडी बहुत ज्यादा रिएक्शन करती है, और इस रिएक्शन को बोलते हैं इन्फ्लामेशन। इन्फ्लामेशन का एक एग्जाम्पल आपको समझाता हूं। हमारे हाथ में कहीं कोई घाव हो गई, आप देखेंगे घाव के चारों तरफ रेडिस हो गया और फूल गया है, उसको बोलते हैं इन्फ्लामेशन। वहां पे फ्लूइड एक्यूमुलेट होती है, वहां पे हीट पैदा होता है, बुखार आता है, उसकी वजह से ये इन्फ्लामेशन जैसे ही लंग्स में होती है तो लंग्स में और ज्यादा फ्लूइड आती है, और जो ऑलरेडी निमोनिया के वजह से लंग डैमेज है उसके अंदर चोकिंग हो जाती है, वहां पे पानी जम जाती है और सांस आती नहीं, ऑक्सीजन की जरूरत बढ़ने लग जाती है। तो ये बढ़ने के वजह से लोगों की डेथ हो रही है। जब कोरोना वायरस 11वां दिन करीब करीब वो खत्म होना चालू हो जाता है, डेथ होती है 14 दिन में 18 दिन में, वो ज्यादातर डेथ होती है इन्फ्लामेशन के बारे में वजह से। और इन्फ्लामेशन को रोकने के लिए हमारे पास है स्टेरॉइड, इसलिए आजकल की एक नई डिक्टम आई है कि 5वें 6वें दिन में अगर पेशेंट को लग रहा है न्यूमोनिया चालू हो रहा है, जब भी न्यूमोनिया चालू हो इमीडिएटली स्टेरॉइड ले लेना चाहिए। और स्टेरॉइड बहुत तरीके से आता है, एक तो पफ से आता है, एक ओरल खाया जा सकता है टैबलेट के फॉर्म में, डेक्सामेथासोन, प्रेडनिसोलोन, वाइसोलोन, मिथाइल प्रेडनिसोलोन, और इंजेक्टेबल भी दिया जा सकता है, वो आपके डॉक्टर को डिसाइड करने दीजिए। पर मैं अभी ये देखिए कोरोना का ट्रीटमेंट का प्रोटोकॉल हर कोई अपने हिसाब से बदल रहा है, बिकॉज देयर इज नो स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल। पर ये अभी धीरे धीरे उभर के आ रही है, जितने जान जा रही है उनको बचाया जा सकता है स्टेरॉइड देने से। और आप देखेंगे जब भी कोई भी स्टेज में पहुंच जाता है, ऑक्सीजन स्टेज में जब आदमी पहुंच जाता है, तब सबको आंख मिच के स्टेरॉइड दिया जा रहा है। मेरी कहना है कि 1-2 दिन पहले अगर स्टेरॉइड चालू हो जाए तो इन्फ्लामेशन को रोकती है स्टेरॉइड, और इन्फ्लामेशन रुक गया तो वायरस तो ऐसे ही 11वां दिन में करीब करीब खराब खत्म होना है, तब पर स्टेरॉइड देने से वो इन्फ्लामेशन को कंट्रोल हो जाए तो बहुत सारी जानें बच सकती है। इसलिए अर्ली स्टेरॉइड देना आजकल बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है। बाकी देखिए कोरोना में हर चीज के बारे में मैंने बताया, सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क, हाथ धोना, और बाकी आइवरमेक्टिन देके पहले से ही थोड़ा इन्फ्लामेशन कम करना, बट अल्टीमेटली जो बचा रहा है जान वो है स्टेरॉइड। तो इसलिए स्टेरॉइड से घबराने की जरूरत नहीं है, स्टेरॉइड लेना चाहिए। आप अपने डॉक्टर को इंसिस्ट कीजिए कि 6-7 दिन हो गया लग रहा खांसी लंग्स में पहुंच गया, लंग्स में पहुंचने के बाद तो स्टेरॉइड लेना कंपलसरी मान के चलिए। देखिए स्टेरॉइड जान बचाने के लिए दिया जाए जब तक इसकी साइड इफेक्ट नहीं देखी जाती है। हाँ, अगर बहुत माइल्ड केस हो तो स्टेरॉइड की जरूरत नहीं है, पर स्टेरॉइड जरूरत हो तो लीजिए। ये बात आपको मैं इसलिए बता रहा हूं कि वायरस से लोग नहीं मर रहे, इन्फ्लामेशन की वजह से लंग्स में चोकअप हो जा रहा है, ऑक्सीजन पहुंच भी नहीं पा रहा है या लंग्स में, और उसी से मारे जा रहे हैं लोग। तो इस बात को आपको लोगों तक बात पहुंचाना है, बहुत सारी जान को हम बचा सकते हैं। कोरोना में लोग मर रहे हैं, और मैं आपको बता दूं इंडिया में आज जो फिगर्स है 4,000 या 3,700 per day, ये एक्चुअल में बहुत ज्यादा है क्योंकि गांव से रिपोर्टिंग नहीं आती। अभी मैंने गांव से पता किया, बहुत सारे जगह बोलते सर 30 लोग मर गए, सिर्फ 2 का मालूम था पॉजिटिव है, बाकी तो टेस्ट ही नहीं कराए। तो ऐसे गांव गांव में लोग मारे जा रहे हैं, और स्टेरॉइड दिया जा सकता है, और स्टेरॉइड बहुत सस्ती दवाई है, 10 रुपए की गोली आती है एक पत्ता,
तो वो स्टेरॉइड देने में कोई नुकसान नहीं है। और जब कोरोना खत्म हो जाए 15 दिन बाद स्टेरॉइड विड्रॉ कर दो, देर इज नो प्रॉब्लम। थोड़ी बहुत शुगर जिसको है उसको कंट्रोल करना पड़ता है, उनको हम लोग इंसुलिन या टैबलेट देके कंट्रोल कर लेते हैं। तो ये इन्फॉर्मेशन लोगों को दीजिए, इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और आपके पास फिर से हाजिर होता हूँ नया वीडियो लेके। थैंक यू सो मच, मिलते हैं फिर से, आज के लिए अलविदा।